सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अभी फरवरी ख़त्म होते ही जैसे ही मार्च आएगा, मार्च मंथ में सन आउटेज आने वाला है, जिस 30 यानी कि 83 डिग्री के जो सैटेलाइट है उस पर, उसके बारे में ही आज की वीडियो में बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, मार्च में 6 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में सन आउटेज आने वाला है। बेसिकली सन आउटेज के टाइम पे होगा क्या दोस्तों, कि ये बेसिकली 83 डिग्री यानी कि जो GSAT-30 कहते हैं, सैटेलाइट नेम GSAT-30 है, और अगर ऐसे डिग्री में बात करूँ तो 83 डिग्री है। इस पे आपको 6 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में सन आउटेज देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। ये जो सन आउटेज का ड्यूरेशन रहने वाला है दोस्तों, 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक मैक्सिमम रहता है, और इस टाइम पे आपके जो भी GSAT-30 सैटेलाइट पे जितने भी चैनल चल रहे होंगे वो ब्लैंक हो जाएगा और वहाँ पे नो सिग्नल लिखेगा। ये मैं पहले प्री सूचना दे रहा हूँ ताकि जितने भी MSO में लोग हैं, बेसिकली MSO वाले को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब सन आउटेज होता है, तो उस टाइम पर डायरेक्टली अपनी डिश छेड़छाड़ कर देते हैं, उसको सिग्नल चेक करने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो बेसिकली बता दो, सन आउटेज 6 मार्च से शुरू होगा और 16 मार्च तक रहने वाला है। कौन कौन से टाइम पे रहेगा उसके बारे में भी बताऊंगा। सन आउटेज में बेसिकली क्या होता है कि सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में सैटेलाइट के ऊपर कुछ जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिस वजह से पर्टिकुलर सिग्नल आपके जो सी बैंड का डिश होता है उसे नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आपको वहाँ पे सिग्नल नहीं मिलता है आपके हेड एंड में, जिसके के वजह से उस सैटेलाइट के जितने भी चैनल हैं सभी पे नो सिग्नल लिख देता है। तो आपको वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। इस सन आउटेज जनरली साल में 2 बार आता है, 1 मार्च अप्रैल के टाइम पे आएगा, 1 सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आएगा। तो अभी जो GSAT-30 पे आने वाला है उसका टाइम भी मैं आप आगे वाले क्लिप में ऐड करता हूँ, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए उस क्लिप को प्ले करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सन आउटेज होने वाला है GSAT-30 यानी कि 83 डिग्री पे, यहाँ पे आपके आपके शहर का मैं दिखा रहा हूँ अगरतला में 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक रहेगा। टाइम लिखा हुआ है 12:12 पे शुरू होगा, 12:16 पे एंड होगा। इसी तरीके से सभी शहरों का मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद का, आगरा का, बेंगलुरु का देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों भोपाल का है 8 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में, भुवनेश्वर में 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच रहेगा, भुज में 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आउटेज आएगा, बेक में 9 तारीख से 19 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में रहेगा, चेंगालपेट में 13 तारीख से 17 तारीख तक, चेन्नई में 12 से 16 के बीच में आएगा, दिल्ली में 6 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में आएगा, अरनाकुलम में 14 से लेकर 18 मार्च तक रहने वाला है, जैसे कि देख पा रहे होंगे। गुवाहाटी में 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में आएगा, हसन में 13 तारीख से 16 तक आएगा, हैदराबाद में 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में रहेगा, ईटानगर में 7 से 11, जयपुर में 7 से 11, जलंधर में 5 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में आएगा, टाइमिंग डेट लिखा हुआ है सामने, जोधपुर में 7 तारीख से लेकर 11, कवरत्ती में 14 तारीख से लेकर 17 के बीच में, कोलकाता में 9 से 12 मार्च के बीच में आएगा, लेह में 4 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में आएगा, लखनऊ में 7 मार्च से लेकर 10 मार्च, माले में 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आएगा, मुंबई में 10 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में आएगा, नागपुर में 9 से लेकर 13 मार्च के बीच, और NOCC में 6 मार्च से लेकर 10, पंजिम में 12 से 15 मार्च के बीच, पटना में 7 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच आएगा, पोर्ट ब्लेयर जो कि है वहाँ पे 13 से 17 मार्च के बीच, पुणे में 11 से 14 मार्च के बीच आएगा, शिलोंग में 7 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आपको सफ़र करना पड़ेगा, श्रीनगर में 4 से 8 मार्च, तिरुवनंतपुरम में 15 से 18 तक, विशाखापट्टनम में 11 से 14 मार्च तक आएगा। तो ये है कुछ लिस्ट दोस्तों, एक बार मैं फिर से यहाँ पर स्लो मोशन में आपको दिखा देता हूँ, अपने अपने शहर का देख लीजिए जो भी आपके शहर का है इस डेट में आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं जिसका भी जो शहर आ रहा है आप यहाँ पे फ़ोटो अपना खींच लीजिए और उस डेट में परेशान नहीं होइएगा,
दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि हमारे सब्सक्राइबर या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस अपडेट को मिलते ही आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ये साल में दो बार आता है, अभी फरवरी मार्च अप्रैल में आएगा, और उस मार्च का मैं डिटेल दिखा रहा हूँ आपको, फिर एक बार सितंबर अक्टूबर के टाइम पे देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा, डिफरेंट डिफरेंट डेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सन आउटेज की वजह से कुछ चैनल डिस्टर्ब होंगे, तो आप वरीड ना होइए, इन टाइम पे आपको थोड़े देर इंतज़ार करना होगा, और ये आपके जो शहर के हिसाब से वहाँ पे टाइम और डेट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।